देखिए मायने तो जो उन्होंने बोला है उसके कोई राजनीति की एबीसीडी समझने वाला भी समझ सकता है कि वो क्यों कहना चाहते हैं क्यों कह रहे हैं इसलिए कि मीडिया में पॉलिटिकल सर्कल्स में नेशनल मीडिया में उनकी दो बार जो उनके चेहरे पे जो हार हुई है जिसको वो कहते हैं कि एक बार कर्मचारियों ने हारवा दिया और एक बार मोदी लहर में हार गए नहीं तो मेरे काम ठीक थे वो जो भी था तो एक जब आई उन्नीस में एक आई थी तीन उपचुनाव जोड़ लीजिए तो एक चपन से छप्पन आए और छियानवे से इक्कीस आए अब वो एक बात कह रहे हैं कि इस बार एक हम लाएंगे बहुत अच्छी बात है तो और उनका ये भी कहना है कि जब एक सौ अट्ठावे आए छप्पन उन्नीस सौ एक सौ छप्पन आई तो भी मैं अध्यक्ष था तो 2008 में आए तो लोग मेरे को ही याद करके जिता रहे थे कांग्रेस को सीपी जोशी जी अध्यक्ष थे या नहीं थे इससे कोई अर्थ नहीं है एक तरह से ये कहना चाहते हैं वो ऐसे ही 2018 में भी वो ये कह रहे हैं कि मेरे 2013 तक के कामों को याद कर रही थी जनता पाँच साल तक देखिए जनता भी कितनी दिलेर है कितनी उदार है कि उनको ही उनको याद कर रही थी उनकी माला फेर रही थी कि भाई तो गहलोत जी तो उनका कहना है कि भाई पायलट अध्यक्ष होंगे लेकिन मेरे चेहरे पे ही 2018 में जीत हुई तो। एक महीने में उन्होंने ये भी कह दिया कि भाई तो कार्यकर्ता काम करते हैं तो उन्होंने सीपी जोशी को नारायण सिंह जी को बी डी कल्ला जी को गिरजा व्यास को सचिन पायलट को कार्यकर्ता की श्रेणी में रख दिया है।, है वो ये कहते हैं भाई राजस्थान का तो सब कुछ मैं ही हूँ तो सी अगर वो अब अब तो बिल्कुल ऐसे सब कुछ वही है और अगर उनके ही मुख्यमंत्री रहते हुए चुनाव होते हैं तो फिर कार्यकर्ताओं को तो न हाथ जोड़ने की जरूरत है न पैर जोड़ने की जरूरत है अशोक गहलोत जी तो प्रत्याशी घर बैठो आराम से तो 2023 में जो जनता है याद तो रखेगी गहलोत क्यों क्यों नहीं याद रखेगी जो मुख्यमंत्री अपने श्रीमुख से कह रहे हैं भाई जनता दिन भर मिली मेरी माला जपती है खलक उनके लिए खनकता है तो फिर तो बात ही क्या है कार्यकर्ताओं की तो कांग्रेस को अब जरूरत ही नहीं है कार्यकर्ता घर बैठो आराम से और गहलोत साहब के चेहरे पे आप 2023 में फिर जीत जाओगे